मंच पर सोए नेता, जनता सुन रही भाषण। मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट का दर्जा पाने के बाद पहली बार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत हिमाचल पहुंचे अनुराग ठाकुर का जोरदार वेलकम हुआ। परवाणू में अनुराग ने जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान मंच पर मौजूद ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी गहरी नींद में पाए गए। उनसे आगे बैठे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भी कुछ कुछ निद्रा की स्थिति में पाए गए। यही नहीं, नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल भी आंखें बंद किए ही दिखे। ये सब उस वक्त हुआ जब अनुराग ठाकुर मंच से भाषण दे रहे थे। मेडल जिताने का काम भी करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के रूप में करते हैं, ये बहुत बड़ी बात। और जब खिलाड़ी मिलने भी आए तो मोदी ने उनसे दो बातें कही कि आपको देश बहुत कुछ दे रहा है, मैं तो मांगना चाहता हूं। और मोदी जी ने मांगा कि देश के जो कुपोषण का शिकार बच्चे, महिलाओं को जागरूक करो, युवाओं को जागरूक करो, 75-75 स्कूलों या तो रख साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।